नमस्कार, मैं रचना शर्मा जड़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क साध रही है। पिछले कुछ दिन में कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल आया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला कि बंगाल सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। चुनाव में व्यस्त होने की वजह से ममता बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि उनकी जगह राज्य सचिव मीटिंग में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में हुए नगर निगम चुनावों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। नगर निगम मंडी के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों ने 15 वार्डों में से 11 वार्डों में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही नगर निगम मंडी पर भाजपा काबिज हो गई है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव प्रचार पर अदालत ने संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल समेत कई प्रदेशों में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनने को अनिवार्य किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। केंद्र चुनाव आयोग से प्रचार के दौरान मास्क को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। देश एक बार फिर से कोरोना वायरस संकट के उसी दौर में जाता दिख रहा है जहां पिछले साल था। एक तरफ कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, तो अब फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस जाने की खबरें भी आ रही हैं। लगातार बढ़ रही सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है और दिल्ली पुणे समेत अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस जिस तरह से बेकाबू हुआ है उस पर दुनिया की नजर है। भारत के हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अहम फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये रोक 11 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू होगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने अपने नागरिकों पर भी इस नियम को लागू किया है। नियम के मुताबिक अगर कोई न्यूजीलैंड का व्यक्ति भारत में है और वो वापस जाना चाहता है तो उसे भी इस दौरान एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के कठिन हालात से जूझ रहे मध्य प्रदेश में अभी सभी शहरों में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भी बैठक में ये फैसला लिया है। प्रदेश के सभी शहरों में शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा, जो शनिवार रविवार से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक चलेगा। कोरोना वायरस का संकट देश में एक बार फिर से बेकाबू हो चला है। इस बार कोरोना की जो लहर चल रही है वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही है। ऐसे में दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और बेड्स तेजी से भर रहे हैं। दिल्ली में भी बेड्स को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इंदौर ने तो कोरोना संकट के कारण फिर से अपने यहाँ ओपीडी सर्विस बंद कर दी है। आमतौर पर माना जाता है कि एक बार कोरोना होने पर व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में यह थ्योरी गलत होती नजर आ रही है। एमपी के सबसे बड़े शहर में कोरोना इस कदर कहर बरपा रहा है कि लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं और पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लोग अब कोरोना की चपेट में फिर से आ रहे हैं। प्रशासन के लिए यह सिरदर्द बन गया है, इसलिए अब सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कर्नाटक में आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेनें चलानी शुरू कर दी हैं। रेलवे के मुताबिक कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने के कारण बस सेवाएं प्रभावित हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।